एमके इंट्यूबर चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कैश विड्रॉल फॉर्म फिलअप। जब आप बैंक ब्रांच में जाएंगे पैसे निकालने के लिए, पैसे विड्रॉल करने के लिए, तो वहां पर प्रोसीजर ये है कि आपको अपना पासबुक साथ में लेकर जाना है। वहां पर आपको एक कैश विड्रॉल फॉर्म दे दिया जाएगा, उस फॉर्म को फिलअप करके आप अपने अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। अलग अलग बैंक जो हैं उनका कैश विड्रॉल फॉर्म का फॉर्मेट एक जैसा ही रहता है। आप एक बैंक का फिलअप करना सीख जाएंगे तो किसी भी बैंक का कैश विड्रॉल फॉर्म आप बहुत ही आसानी से फिलअप कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस कैश विड्रॉल फॉर्म को कैसे फिलअप किया जाए। हमारे पास ये पंजाब नेशनल बैंक का कैश विड्रॉल फॉर्म है। तो अगर आपको बैंक ब्रांच से पैसा विड्रॉल करना है तो आप इस फॉर्म की मदद से कर सकते हैं। तो इसको फिलअप कैसे करना है ये तो हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर तीन पॉइंट्स हमारे लिए, तीन जरूरी बातें दी हुई हैं, उसको पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि इसको भी जानना जरूरी है, इससे रिलेटेड भी काफ़ी सारा कन्फ्यूजन बना रहता है। पहली बात तो ये कि यूजेबल एट बेस ब्रांच ओनली, मूल शाखा में केवल इसका प्रयोग हो सकता है। यानी कि जिस ब्रांच में बेस ब्रांच है, यानी जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है उसी ब्रांच से आप इस फॉर्म की मदद से पैसे निकाल सकते हैं। दूसरे ब्रांच में जाकर आप इस फॉर्म की मदद से अपने अकाउंट से पैसे नहीं निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि दिस फॉर्म इज नॉट ए चेक, ये फॉर्म एक चेक नहीं है। यानी कि आप चेक में क्या होता है कि आपके अकाउंट से आप भी पैसे निकाल सकते हैं या फिर किसी दूसरे व्यक्ति, कोई दूसरा व्यक्ति भी जाकर आपके अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन ये फॉर्म एक चेक नहीं है। यानी कि आपको खुद ही जाना होगा अपने अकाउंट से पैसे निकालने के लिए इस फॉर्म की मदद से। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है प्लीज प्रेजेंट विथ द पासबुक, तो आपको पासबुक अपने साथ में लेकर जाना होगा तभी आप इस फॉर्म से पैसे विड्रॉल कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इसको फिलअप कैसे करना है। देखिए यहाँ पर ये जो लाइन है इसके नीचे जो सेक्शन बना हुआ है ये है फॉर ऑफिस यूज ओनली, तो इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। जो भी है यहाँ पर लिखा हुआ है ये हमारे लिए कोई जानना जरूरी नहीं है, ये केवल कार्यालय के प्रयोग के लिए, बैंक के प्रयोग के लिए, उसमें हमें कुछ नहीं करना है। तो हमें ये जो ऊपर का पोर्सन है इतना खाली फिलअप करना है। तो इसमें देखिए डेट दिया हुआ है, जैसे कि जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ तो आज का डेट है 30 नवंबर 2020, तो ये हम इस तरह से लिख देंगे, पहले डेट फिर मंथ फिर ईयर, इस तरह से इसको लिखा जाता है। तो मान लीजिए आपको अपने अकाउंट से 5000 रुपये विड्रॉल करने हैं, तो यहाँ पे देखिए रुपी का सिंबल बना हुआ है, यहाँ पर आपको फिगर्स में लिख देना है 5000 रुपीज, कुछ इस तरह से इसको लिखना है। अब यहाँ पर ये जो दिया हुआ है पे टू सेल्फ द सम ऑफ रुपीज, और ये ब्लैंक है, दो लाइन बने हुए हैं, यहाँ पर आपको लिखना है 5000 रुपीज ओनली, इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर बॉक्सेस बने हुए हैं, ये जो है यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर लिख देना है, अकाउंट नंबर को पूरा लिखें, कभी भी शॉर्टकट में ना लिखें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, जो नाम आपके अकाउंट में है पूरा नाम यहाँ पर आपको लिख देना है, और ऊपर में यहाँ पर सिग्नेचर कर देना है। बस इतना ही है, इतना ही फिलअप करके आप ये पासबुक के साथ काउंटर में प्रेजेंट करेंगे, फिर आप अपने अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। इस तरह से हम बहुत ही आसानी से एक विड्रॉल फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आपका इससे जुड़ा कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें, और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।